हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोग ने किसी वीडियो का साउंड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कोई वीडियो शूट की है और उसमें आपका जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है और आप लोग चाहते हैं उस वीडियो में आवाज़ को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग उस वीडियो में आवाज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो फिर ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग कोई वीडियो को शूट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग उस वीडियो में वॉइस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग भी चाहते हैं ये चीज़ सीखना कि आप लोग ने किसी वीडियो जो वॉइस होती है उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को किसी भी वीडियो में वॉइस को 2x, 3x, 4x तक आप लोगों को यहाँ पे इंक्रीज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है, और कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए कैसे करेंगे जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, यहाँ पे वॉइस को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले जो आप लोगों को एप्लीकेशन देने वाला हूँ उसका नाम है VN। वैसे आप लोग सारे एप्लीकेशन से कर सकते हो, लेकिन VN एप्लीकेशन इससे भी आप लोग कर सकते हो। VN एप्लीकेशन को जब आप लोग ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे मिलेगा सेव, सेव पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। गाइज, यहाँ पे जो VN एप्लीकेशन है ये आप लोग प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी ये वाली वीडियो में, या कोई दूसरी वीडियो लेता हूँ, ये वाली वीडियो है हमारी, और इस वीडियो में मैं वॉल्यूम चाहता हूँ इंक्रीज़ करना। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैं रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के लिए ये जो ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर, मैं इसको रोटेट करूँगा और ओरिजिनल में मैं 60.9 का रेशियो को सिलेक्ट करूँगा और BGO को जो थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी वीडियो में हमारा जो साउंड है वो कम है, तो मैं इसका जो वीडियो का साउंड है वो इंक्रीज़ करूँगा। आप लोग नॉर्मल वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मिलेगा आप लोगों को वॉल्यूम। वॉल्यूम जो मिलेगा एक माइक का, जो सॉरी जो साउंड का आइकन आ रहा है वॉल्यूम लिखा हुआ, यहाँ आप लोग बस क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद 100% वॉल्यूम हमारा, तो इसको मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा 200। किस घर में रहता हूँ, कैसा घर है हमारा, बाहर का माहौल कैसा है, 100% तक मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप लोग ज्यादा मत बढ़ाइए। तो यहाँ देखने 200-400 यहाँ पे आप लोग ज्यादा मत रखिए, उतना आप लोग लिमिट में रखिए। और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ सिर्फ 200-250% इतना रखूंगा, ठीक है, इतना रख लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो वॉइस है वो बढ़ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। एरो वाला जो ऑप्शन आ रहा है क्लिक करके आप लोग अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। अब गाइस, अगली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है काइनमास्टर। तो गाइस, इस काइनमास्टर जो एप्लीकेशन है ये आप लोग को प्ले स्टोर पर जाके मिल जाएगी, तो काइनमास्टर को आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और इससे जो ये वाली वीडियो हमारी जो ब्लॉगिंग की वीडियो में यहाँ पे शूट कर रहा था और रिकॉर्डिंग एडिटिंग कर रहा था, अब गाइस यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 60.9 रेशियो, जो भी रेशियो में आपकी वीडियो उसको सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट पे आप लोग क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारी वीडियो में कोई वीडियो अपनी जो है उठा लेता हूँ, और जिस वीडियो का मुझे साउंड इंक्रीज़ करना है तो ये वाली वीडियो मैं यही वाली उठा लेता हूँ और इसके बाद इसको रोटेट करूँगा। अब इसके बाद इसका जो साउंड है मुझे इंक्रीज़ करना है, वीडियो पर नॉर्मल क्लिक करेंगे, अब यहाँ मिलेगा मिक्सर, वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप लोग 200 तक जो परसेंट है वो वॉल्यूम आप लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है यहाँ पे, एरो पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग की वीडियो जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे, सेव बटन पे क्लिक करके आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग अपनी किसी वीडियो का जो साउंड है वो आप लोग बढ़ा सकते हैं। आइयो, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आप जान चुके होंगे कि आप किसी भी वीडियो में साउंड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है साउंड को इंक्रीज़ करने में तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक